तो है गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ राउडी सचिन वाइट। तो गाइस मैं हूं सचिन, आप लोग देख रहे हैं गाइस मेरे राउडी सचिन वाइट का एक बिल्कुल नए एकदम ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस फिलहाल के लिए गाइस मैं अभी वन ब्लॉक में दोबारा से काफ़ी दिनों बाद आ चुका हूं। अभी मैं हूं गाइस अपने एक न्यू, मैंने गाइस यहां पे एक फार्म बनाया हुआ था जो है था एक एक्सपी फार्म, जो आप मॉब फार्म भी कह सकते हो, जो कि मुझे बेसिकली काफ़ी पहले ही बना ले जाना चाहिए था। मतलब वन ब्लॉक खेल रहा हूं, ऑफकोर्सली इस फार्म की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिलहाल के मेरे को अपने नीचे जाना है। तो गाइस हम लोगों ने तो यहाँ पे नीचे आ चुका हूँ एंड मैं गाइस लिटरली गंदा मर गया। एंड यहाँ पे गाइस मैं इतने देर से इफेक्ट था कि मतलब मैं लिटरली मतलब अभी मार के मैं ऊपर गया एंड वीडियो स्टार्टिंग किया कि आप लोगों को सोचो कि लगे हाथ में दिखाई देता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं नए नया ही बनाया हूँ, इसके लिए गाइस मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की तो ज़रूरत लगी। मतलब मैंने बना दिया ऑफकोर्सली कैसे भी करके। एंड इस साइड अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो गाइस मैं भी आपको एक गजब का चीज़ दिखाने वाला हूँ। आज की इस वाले वीडियो में गाइस हम लोग बनाने वाले इस दो विलेजरों का एकदम एक गांव बसाने वाले हैं, जहाँ पे मतलब लिटरली मतलब एक ट्रेडिंग हॉल टाइप का हम लोग बना देंगे, जहाँ पे गाइस हम लोग ट्रेडिंग वेडिंग सब करेंगे इन लोगों के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा गाइस मज़ा आने वाला है तो इस वाले वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर से कर देना। तो अभी देखो गाइस, अभी मैं आपको बताने वाला कि हमारा ट्रेडिंग हॉल बनेगा कहाँ। तो उसके लिए तो गाइस हम लोग को फिलहाल के लिए काफ़ी मतलब एक फ्लैट एरिया बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए गाइस मेरे को यहाँ पे स्टोन है मेरे पास गाइस काफ़ी ज़्यादा ही लिटरली। तो रुक जाओ गाइस, इनका मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ। तो इनका सबसे पहले तो गाइस मैं यहाँ पे स्लैब्स बना लेता हूँ, क्योंकि इसका मैं यूज़ करूँगा फ्लैट बनाने में। एंड इनका अगर प्योर मैं अगर ब्लॉक लगा दूँ तो गाइस काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक की नीड पड़ जाएगी, तो इस वो मैं नहीं चाहता। तो अभी गाइस यहाँ पर मैं स्टैक बाई स्टैक देखो गाइस कितने सारे मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ कोबलस्टोन के स्लैब, जिनका गाइस मैं यहाँ पे मतलब हमारा हाउस के बगल में ही बस बनने वाला हमारा ट्रेडिंग हॉल। तो उसका गाइस फ्लैट मतलब मैं बेसिकली हमारा बीच का गैप रहेगा ट्रेडिंग हॉल हमारा हाउस का, तो वो पहले तो मैं बना लूँगा। एंड उसके बाद इसको बनाते ही गाइस मैं आपको 2 मिनट में मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली हम लोगों का तो यहाँ पे एक एरिया बन चुका है। तो गाइस आप लोग अगर सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे अपना ट्रेडिंग हॉल बनाऊंगा तो आप लोग बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि इसके बगल में गाइस मैं एक और मतलब अब तो मैं हुड का बनाने वाला हूँ, हुड का स्लैब का एक वो बनाने वाला हूँ मैं एक और एरिया। तो उस पर गाइस मैं अपना ट्रेडिंग हॉल बनाऊँगा। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो मैंने गाइस यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, जिसके ऊपर गाइस हमारा ट्रेडिंग हॉल बनने वाला का सिंपल सा कूल सा, जहाँ पे गाइस हम लोग ट्रेडिंग भी करेंगे। लेकिन अफसोस गाइस हमारे पास गाइस यहाँ पे ना ही अभी शुगर केन है एंड ना ही हमारे पास गाइस यहाँ पे बुक वुक कुछ है जिससे गाइस हम लोग लैक्टन बना सकते हैं। मतलब लैक्टन के लिए हम लोग सिंपल सी बात है गाइस नहीं बना सकते हैं, तो आगे जाके ही गाइस मेरे को बनाना पड़ेगा। एंड पता नहीं गाइस हमारा न्यू फेस कब अनलॉक होगा। तो आप लोग गाइस बताओ मेरे को कमेंट में कि यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो तो मेरे राइट साइड पे यहाँ पे मनी के मतलब या तो मेरे को यहाँ पे पैसा कमाना है या तो कुछ तो मेरे को गाइस करना है इस गेम पे। तो आप लोग बताओ गाइस मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। तो अभी गाइस सुबह हो चुका है, तो नहीं सुबह पे गाइस आप सभी को गुड मॉर्निंग। एंड गाइस आप लोग आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे गाइस पूरे एकदम ऑलमोस्ट 3 स्टैक मैंने यहाँ पे गाइस स्प्रूस के लॉग जो है वो मैंने इकट्ठा कर दिए हैं बोन विल मार के। एंड अभी गाइस मैंने इनको खाना भी तक दिया था लेकिन अभी तक इन लोगों ने ब्रीडिंग नहीं किया, पता नहीं यार क्या हो गया। मैंने इनको खाना भी दिया था, रुक जाओ अभी, खैर छोड़ो गाइस इन लोगों को मैं काफ़ी ज़्यादा ब्रीडिंग भी कराना पड़ेगा गाइस मेरे को, ताकि हमारा ट्रेडिंग हॉल एकदम पूरा भर सके। एंड तो अभी गाइस बिना किसी देर के हम लोग अब जाके अपना ट्रेडिंग हॉल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसका सिंपल जब क्लियर होगा वो गाइस होगा इससे, जो कि यहाँ पे 4 ब्लॉक का होगा हमारे स्प्रूस के लॉक से। एंड अभी ये कुछ हाइट का इतना इनफ है हमारे लिए। एंड 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 तो 14 का एंड 15 का कर ही देते हैं। तो 15 का यहाँ पे दोबारा से 4 ब्लॉक यहाँ पे हाइट होगी हमने ट्रेडिंग हॉल का। एंड ये गाइस कुछ इतना सा एरिया पे गाइस हम लोगों का बनने वाला है ट्रेडिंग हॉल। एंड इसका गाइस मैंने 15 किया नहीं, आई थिंक 16 किया है, तो उसका
दो ब्लॉक कर ही देते हैं। खैर छोड़ो, तो अभी ये मैंने थोड़ा मतलब वो लगा दिया है आइडिया करके, मैं इसको रोड भी एकदम सही कर ही दूंगा। खैर छोड़ो, तो अभी इसको यहाँ पे सेकंड प्लेयर हम लोग बनाते हैं, थर्ड प्लेयर। तो ये यहाँ पे कुछ मैं अपने हिसाब से अगर बताऊँ तो ये यहाँ पे सिंपल सा, इतना लंबा सही है, तो यहाँ पे ही कर देते हैं। एंड 2 3 4, चलो। एंड एक और भी हम लोग इसको हाइट में बड़ा कर सकते हैं, वैसे दिक्कत की बात है नहीं। तो अभी इसका यहाँ पे ये है लाइन, एंड इसका लाइन ए वाला है, तो यहाँ पे 4 ब्लॉक ऊपर हम लोग दोबारा से जाएंगे। एंड अभी देखो भाई साहब, अभी हमारा ओन ब्लॉक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। तो अभी आप लोग देख सकते हो मेरे यहाँ पे जो डोर का जो मैंने 2 लगा के रखा है वो कितना ज़्यादा गई। अभी देखो मतलब क्या यार, एक साइड इधर आएगा, मैंने मतलब पूरा ही एकदम भद्दा सही कर दिया। रुक जाओ जिसको तोड़ते हैं। एंड चलो भाई साहब, इसको भी मैंने तोड़ दिया है। एंड अभी आप लोग सामने से अगर देखो तो अभी फिर भी उतना ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा है। तो अभी यहाँ पे गाइस गिरने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, तो मेरे को इसको भी गाइस सही करना पड़ेगा। एंड अभी यहाँ पे मतलब हो गया है अभी पिलर का काम। एंड अभी मेरे को यहाँ पे वॉल पे काम करनी है गाइस, तो अभी इसको मैंने को पर स्क्रिप्ट भी करना है। तो इससे एंड एक और भी गाइस काम बचता है स्प्रूस का कुछ इस तरीके से। मैंने तो अभी यहाँ गाइस पूरा का पूरे पे यहाँ पे लगा दिया है। मेरे को अभी इसको स्क्रिप्ट भी करना पड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा इसको छील देना पड़ेगा, तभी जाएगा गाइस एकदम कूल सा लुक आने वाला है। तो मेरे पास एक्स भी मैंने यहाँ पे, रुक जाओ गाइस, यहाँ पे एक और काम स्प्रूस लॉक का बचता है कि मेरे को यहाँ पे गाइस डोर का यहाँ पे बॉर्डर भी बना ही लेना चाहिए। एंड यहाँ पे 2 ब्लॉक का हो गया। एंड अभी ये 3 ब्लॉक पे हमारा गाइस ये पे रहेगा। एंड अभी मेरे को इसको यहाँ पे ऐसे जंप करके इस साइड को फेस करके हुए लगाना पड़ेगा। एंड अभी इसको, रुक जाओ गाइस, तोड़ो। एंड इसको भी तोड़ो। एंड अभी इसको भी मेरे को सही कर से लगाना पड़ेगा इस तरीके से, चलो। तो अब हम गाइस आप लोग देख सकते हो ट्रेडिंग हॉल का जो फ्रंट का एरिया है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। बस यहाँ पे वॉल पे थोड़ी बहुत काम करनी है, एंड इनको गाइस पूरा एकदम स्क्रिप्ट कर देना है, तो अब वो हो जाएगा। तो गाइस मैं वॉल जो है वो मतलब उतना ज़्यादा हमारे पास लिमिटेड ही सामान है, तो मैं अगर सोच रहा हूँ कि हुड से ही बना रहे तो पूरा का हुड के ही क्यों ना बना दें। तो अभी गाइस मेरे को कुछ बोन व्हील वोन व्हील मार के गाइस इस ओक लॉक से गाइस मेरे को पूरा वॉल जो है उसको गाइस कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड इतना ज़्यादा बोन व्हील मत खावे। खैर दिक्कत की बात तो गाइस है नहीं, हमारे पास एक यू नो गाइस तुम्हारे भाई ने एक फॉर्म भी बना चुका है। तो अभी गाइस यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे छीलते हैं। एंड तो गाइस मैं लिटरली बोन मिल के लिए तब से गाइस यहाँ पे खड़ा हूँ लिटरली इस एफ के मतलब फालतू में मतलब। तो रुक जाओ गाइस, अभी कितने दिन रात चले गए हैं। तो अभी मेरे को गाइस मैं दोबारा MLG करने की गलती करूँगा नहीं। तो अभी मैंने वीडियो स्टार्टिंग कर दी है, रुक जाओ। एंड अभी हम लोग गाइस नीचे उतरेंगे, चलो भाई मरना नहीं है इस बार, पिछली बार मर गए थे हम लोग। एंड Nope. क्या यार MLG भी नहीं हो सकती यार यहाँ इधर पे। तो ओ भाई साहब एक बार ही देखो गाइस लिटरली यहाँ पे क्रीपर एंड जॉम्बी देखो भाई साहब, एंड स्केलेटन भी काफ़ी सही आए हुए हैं। ओ भाई साहब मैं तो गाइस मतलब पहली बार इतने सारे इस ओवर वर्ल्ड के मॉब्स को मैं एक साथ इतने सारे को मार रहा हूँ गाइस। एंड ये लोग गाइस डैमेज भी कर रहे हैं, ऐसे कैसे यार? पॉकेट एडिशन में ऐसा भी होता है क्या? लोग लिटरली गाइस मेरे को डैमेज तक कर रहे हैं मेरे भाई साहब, ऐसे कैसे? लिटरली 2 हार्ट लेके चले गए मेरे को मजे मजे में। तो भी मेरे को बोन मिल चाहिए, मैंने यहाँ से गाइस बोन मिल भी निकाल लिया था। तो रुक जाओ, वहाँ पे 8 है, इधर भी 8 है, जो इनको रख देते हैं इधर। तो गाइस अभी मैं तो यहाँ पे वो लेके आ चुका हूँ जो मतलब ये देखो काफ़ी ज़्यादा ही लेके आ चुका है गाइस मैं, जितने गाइस वॉल पे हमारे लोगों की ज़रूरत है। एंड आई थिंक मैंने उससे ज़्यादा ही लेके आ चुका हूँ। तभी गाइस मेरे को इसको कुछ इस टाइप से लगाना पड़ेगा। एंड इस साइड पे गाइस मेरे को पूरा का पूरा इसको इस साइड के ऊपर तक लगाना पड़ेगा। एंड मैं थोड़ा विंडो का भी सोच रहा हूँ कि विंडो भी हम लोग लगाएंगे। तो रुक जाओ, इसको इससे ऊपर वाला गाइस अच्छा नहीं लगेगा, मतलब नीचे तो मैंने लगा दिया लेकिन ऊपर, इसको ऊपर साइड पे अपर साइड पे अच्छा नहीं लगेगा इसको। मेरे को ऐसे ही बैक फ्रंट मतलब बैक बैक एंड उस पर रखना पड़ेगा उस पुरुष के लॉक को। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये एक और ऊपर ही जा सकता है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है ऊपर तक। एंड रुक जाओ,
एंड मेरे को इधर भी एकदम पूरा का पूरा इधर भरना है। एंड अभी मैं गाइस इसको पूरा का पूरा भर के आप लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो हमारा एकदम पूरा का पूरा वॉल एकदम कितना ज़्यादा मस्त सा लग रहा है गाइस लिटरली। तो जब कंप्लीट हो जाएगा तब से कितना मतलब क्या ही लगेगा। तो अभी मैं गाइस यहाँ पे एक चीज़ मतलब भूल गया, हमारा एक काफ़ी एकदम जेल जेल सा नहीं लगना चाहिए गाइस। आखिर 1 ब्लॉक का यहाँ पे गाइस ट्रेडिंग हॉल बनने वाला है, हमारे यहाँ पे खास खास मेहमान दोस्त विलेजर्स रहने वाले हैं, तो उनके लिए जेल थोड़ी ना बना रहे हैं हम लोग। हम लोग एक कूल सा उनके लिए घर बनाने वाले हैं जहाँ से हम लोग गाइस उनसे खरीदारी मतलब वो सब करने वाले हैं। तो अभी मैंने इधर साइड एक विंडो बना दी है काफ़ी कूल सा, एंड इस साइड भी गाइस हम लोग बनाने वाले हैं। चलो भाई साहब तभी तो कूल लगेगा। एंड मेरे को गाइस आयरन बार्स में यहाँ पे लगाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्सली मेरे पास कोई सैंड नाम की चीज़ अभी इस वर्ल्ड में आया तक नहीं है गाइस लिटरली। इतना जुल्म अच्छा नहीं है गाइस, कुछ मदद करो गाइस आप लोग, मैं अकेला बंदा क्या ही कर सकता हूँ। तो मैं गाइस इस साइड भी थोड़े बहुत मतलब वो कर दे रहा हूँ यहाँ पर विंडो, मतलब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे परफेक्टली ऐसा ये बनाना पड़ेगा वरना अच्छा नहीं लगेगा, तो ये बनाते हैं। तो अभी गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने बना दिया है। एंड इस साइड में गाइज मैं पूरा आयरन वर्ड्स लगाने की ट्राई करूँगा। एंड अभी मैं गाइज ऊपर सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर को जो हमारा छत होने वाला है उसको मैं कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। तो हुट का ये अच्छा नहीं लगेगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है। मेरे को कोबलस्टोन मतलब कोबलस्टोन भी हम लोग नहीं डालेंगे, हम लोग सिंपली स्टोन ब्रिक्स डालने वाले हैं। तो वो ऊपर आई थिंक अच्छा लगेगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है। तो अभी वो मेरे को लेकर आना पड़ेगा एंड स्टोन मतलब कॉबल स्टोन चाहिए होगा। एंड अगर नीचे की बात करें तो गाइज मैं बस यहाँ पे जो एजेस हैं उन पे गाइज मैं स्टोन ब्रिक्स लगा देने वाला हूँ सिंपली। ये जो एजेस हैं मतलब नीचे वाले जो डाउन के जो फ्लोर के एजेस हैं, तो सबसे पहले काम रहता है गाइज हम लोग का स्टोन ब्रिक्स लाने का। तो सबसे पहले मैं स्टोन ब्रिक्स लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे बैरल पे ओ भाई साहब इस पे पड़े हैं, चलो एक स्टैक तो ऐसे ही आ गया। रुक जो और भी पड़े हैं उनको भी ले लेते हैं। चलो 2 स्टैक ऑलमोस्ट आ ही गया है, 4-5 स्टैक लाने की ट्राई करेंगे गैस, क्योंकि उतने की नीड है हम लोगों को। तो पहले लानते हैं, आप लोगों से मिलते हैं गैस थोड़ी देर बाद। A few moments later. तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैं भैंस बकरी मेरे घर पे आ चुके हैं, जो कि जुलूम है काफ़ी ज़्यादा बड़ा। एंड फिर आप देख सकते हैं मैंने स्लैब्स एंड यहाँ पे मतलब ये लेके आ चुके हैं। एंड मैंने सबको गाइस स्लैब्स ही बना दिया है, क्योंकि मैंने गाइस लिटरली ये आने में गाइस मेरी फट गई सच बताऊँ तो। तो वे गाइस बिना किसी देर के मैं यहाँ पे ऊपर का जो एरिया है मतलब ओ भाई साहब अब भी गिर जाता भाई, मैं लिटरली यहाँ पे 2 ब्लॉक रास्ते पे खुद के बैठा हुआ था भाई। तो भी मैं नीचे में बस एजेस पे लगाता हूँ स्टोन ब्रिक्स का स्लैब, एंड ऊपर भी मैं लगा के गाइस आप लोगों से मिलता हूँ। रुक जाओ पहले तो यहाँ पे एकदम पूरा का पूरा ये सब जो एजेस आप लोग देख रहे हो इस पे ही गाइस मेरे को पूरा का पूरा लगाना है। तो इसको भी मैं लगा के एकदम कंप्लीट करके गाइस आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस लिटरली फाइनली मैंने यहाँ पे ऊपर आप लोग देख सकते हो एकदम मैंने स्लैब लगा दिया स्टोन ब्रिक से। एंड लिटरली यार स्लैब क्या चीज़ है भाई, मतलब एक ऊपर लग जा रही तो एक नीचे लग रहा है, जो उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उनको बड़ी बड़ी तोड़ के भाई दोबारा से सही करके लगाना पड़ रहा है। तो गाइस मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ मतलब वो सब अभी तक है नहीं। तो सिंपली गाइस अभी हम लोग गाइस अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर बस वही डालने वाले हैं फार्मर्स को। एंड मेरे को कैसे इन लोगों का भी ब्रीडिंग भी करना है, मतलब अच्छा सा फार्म भी नहीं है मेरे पास जिससे मैं ब्रीड ब्रीड इन लोगों को अच्छे से खिला सकूं। तो मेरे को इनको कैसे भी करके ब्रीडिंग करके अपना ट्रेडिंग हॉल को भरना पड़ेगा। तो अभी गए यहाँ पे कॉम्पोस्टर एंड इधर मैंने
चेस्ट भी बना लिया है देख सकते हो। एंड इनको ले जाके बस गाइस, और ना भाई गाइस मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, एंड अभी मेरे को गाइस यहाँ पर ऐसे भी करना पड़ेगा, रुक जाओ इनको बाहर मैं कर दूंगा। तो अभी मैं करता हूँ गाइस, एंड अभी अंदर में मेरे को पूरा कंपोस्टर ये सब लगाना पड़ेगा, तो वही लगा गाइस, मैं आप लोगों से मिलता हूँ, रुक जाओ गाइस। कुछ इस टाइप से गाइस मेरे को यहाँ पे पूरे के पूरे एरिया पे लगाना है, तो मैं ये लगा के एकदम पूरा फिनिश करके आप लोगों से मिलता हूँ, बिल्डिंग विडिंग करा के 2 मिनट के अंदर गाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस फाइनली हमारा ट्रेडिंग हॉल जो है फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग मैं बेबी को दिखा देता हूँ, एंड ये देखो गाइस ये लोग दो बाहर ही रह चुके, मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैंने कुछ ज़्यादा ही बिल्डिंग लोगों से हो गई थी तो मेरा नहीं, तो मतलब ये लोग आपस कर रहे थे। एंड अभी देख सकते हो गाइस कितना सिंपल सा एंड कूल सा लग रहा है मेरा ट्रेडिंग हॉल। तो मैं अभी बाहर से थोड़ा बहुत आप लोगों को टूर दे देता हूँ, देखो गाइस लिटरली यार मैं क्या बताऊँ, ये आयरन बर्ड्स के लिए मेरे को इतना ज़्यादा खुदाई करनी पड़ी ना पिस्टन से, मतलब फट गई भाई लिटरली इस पे। तो इसके लिए तो गाइस आप लोगों को 1 लाख तो बनता है, जिन जिन बंधु यहाँ तक देख रहे हो गाइस उन लोगों को मेरे दिल से शुक्रिया यार, क्या ठंडक मिल रही है जो जो बंदे यहाँ तक देख रहे हो। तो ये देखो गाइस, तो आप लोग अगर सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे बेड क्यों लगा के रखा है, क्योंकि यहाँ पे ये सब फिशरमैन सब बन गए थे तो बेड लगाया तभी इन लोगों ने जॉब लिया, एंड अभी ऑलरेडी एक बंदा आप लोग देख सकते हो फिशरमैन बन के बैठा हुआ है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, रहना दो इसको। एंड यहाँ पे देख सकते हो फार्मर सब लगाया है बैठे, एंड यही था। ओ भाई मारना है नहीं है भाई, रेट बढ़ा देगा भाई, मारना नहीं है भाई, कुछ भी कर लो। एंड मैंने यहाँ पे 2 चेस्ट भी लगा दिया, एंड आगे जाके मैं इसको और भी ज़्यादा कूल लुक्स देने वाला हूँ, जिससे मैं लीव्स वीव्स भी लगा सकता था लेकिन अभी मैंने लगाया नहीं। एंड अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एमरल्ड भी रख दिया हूँ, एंड अभी गाइस अभी हो चुका है गाइस हमारे वीडियो का एंडिंग का टाइम, तो अभी हम लोग यहाँ पे दरवाज़ा लगा देते हैं, एंड बाहर से एक बार आप लोग देख सकते हो। तो यही था गाइस आज का वीडियो, तब तक के लिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अभी के लिए बाय बाय गाइस।